क्या लगता है आपको कौन किसका खेल बिगाड़ेगा राजगढ़ में? लाडली बहना का अगर पंजा कमल के फूल पर गया तो जाहिर सी बात है दिग्विजय सिंह का खेल बिगड़ेगा। इसमें लाडली बहना ने अगर ये समझ लिया कि जो है वो इस बार परिवर्तन होना चाहिए तो जाहिर सी बात है दिग्विजय सिंह बन सकते हैं, लेकिन अभी दिग्विजय सिंह में वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है। आप जिस तरह से राजगढ़ में चुनाव हुआ है, ऐतिहासिक चुनाव हुआ है, जैसे कि रोडमल जी नागर जिताने के लिए यहाँ पर देश के गृह मंत्री कि नहीं आएंगे तो वो दिग्विजय सिंह है, इतने आसानी से वो जीत देने वाले नहीं है और राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं दिग्विजय सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल राजगढ़ टीवी। इस वक्त हमारे साथ केश नेपाल भैया है, हमारे साथ है राजगढ़ के एक जाने माने पत्रकार राजगढ़ के हैं और जिन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार रिपोर्टिंग की है और इनसे जानेंगे राजगढ़ में जो मतदान हुआ है और जिसके बाद क्या कुछ लगता है आपको, किसका पलड़ा किस तरफ भारी दिख रहा है? देवेंद्र भैया, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जैसे पहला सवाल पूछा कि किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है, तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। चुनाव हुए, अभी एक दिन हुए हैं, वोटिंग हो गई है और जिस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तो कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला तो है, क्योंकि पिछली बार भी यही मतदान हुआ था। पिछली बार भी जो है 75% के लगभग मतदान हुआ था। अब की बार भी सेम कंडीशन है राजगढ़ जिले की, तो ये नहीं कह सकते कि बहुत मतदान घटा है या बहुत मतदान बढ़ा है, मतदान बराबर हुआ है। लेकिन पिछली बार मोना सुस्तानी जी चुनावी मैदान में थी, पिछली बार मोदी लहर भी थी, इस बार दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है, तो मुकाबला बराबरी का हुआ है। रोडमल नागर जी ने मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है, जाहिर सी बात है मोदी जी का चेहरे को पसंद करती है राजगढ़ की जनता, तो एक फैक्ट तो वो भी है। दूसरा, क्या लाडली बहना इम्पैक्ट इस चुनाव में चलेगा, ये अभी एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल है कि बहनों ने किधर मत किया होगा, मतदान किया होगा। अगर बहनें नाराज़ हो गई मोहन यादव जी से तो निश्चित तौर पर फिर राजगढ़ में दिग्विजय सिंह सांसद बन सकते हैं। अगर बहनों ने फिर से भाजपा पर प्यार लुटा दिया तो रोडमल नागर भी बन सकते हैं। एक और सवाल है भैया, जैसे कि दिग्विजय सिंह जी का नाम जब से सामने आया है, जो सोई हुई कांग्रेस थी वो पूरी तरीके से जाग गई थी और उन्होंने भी अपने दाम दंड भेद सारे अपनाए। और नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 100% आप सही बोल रहे हैं कि सोई हुई कांग्रेस जाग गई थी। देखिए, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए एक बड़े नेता है, देश के बड़े नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, तो जागना तो स्वाभाविक है। अगर हमारे घर का बड़ा बुजुर्ग यदि अपने को इनकरेज करे कि नहीं यार, ये सारा कार्यक्रम मेरा है, हम हमारे ही घर का उदाहरण देख लें, यदि हमारे दादाजी हमसे बोलेंगे कि ये मेरी पगड़ी का सवाल है, तो पूरा घर उसमें उन लग जाता है कि कार्यक्रम में कोई भी कमी नहीं, चाहे नाती पोते, हमारे लड़के लड़की, हमारे बच्चे बच्ची, चाहे हमारे दादाजी को इतने अच्छे से जानते नहीं हो, तो वो कांग्रेस के दादाजी हैं एक तरह से। तो दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के नेताओं में कोई जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो नहीं थी इस बार। कोई आंतरिक मतभेद नहीं था, कोई अंदर की चीज़ें नहीं थी, सभी नेताओं ने प्रयास किया, जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े उससे भी पूर्व, तो किसी के मन में ऐसी खोट नहीं थी कि नहीं यार दिग्विजय सिंह से कोई नाराज था। सभी लोग एक्टिव हो गए, सभी लोगों में जान आ गई और जिस तरह से राजगढ़ में चुनाव हुआ है, ऐतिहासिक चुनाव हुआ है। जैसे कि रोडमल जी नागर हैं, 10 वर्षों से पहले सांसद रह चुके हैं, इस बार उनको जिताने के लिए यहाँ पर देश के गृह मंत्री और हमारे मध्य प्रदेश के CM कई बार राजगढ़ जिले में आ चुके हैं, क्या कुछ है? अब देखो, वो तो आना पड़ेगा देवेंद्र भाई, क्योंकि नहीं आएंगे तो वो दिग्विजय सिंह है, इतने आसानी से वो जीत देने वाले नहीं है और राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं दिग्विजय सिंह, तो जाहिर सी बात है भाजपा को भी डर था कहीं ना कहीं, क्योंकि दिग्विजय सिंह की नाम की घोषणा, हम यूँ माने कि रोडमल नागर जी की जब नाम की घोषणा हुई थी उससे 10-12 दिन बाद हुई थी, तो उनको भी सोचने में कहीं ना कहीं समय लगा दिग्विजय सिंह को कि क्या मैं रोडमल जी को मात दे सकता हूँ, क्योंकि राज्यसभा की सीट छोड़कर चुनाव लड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा है तो कुछ सोच समझ कर लड़ा होगा। और रणनीतिकार चाणक्य, जितने शब्दों से दिग्विजय सिंह को नवाजा जाए जाहिर सी बात है वो कम होंगे, क्योंकि आप भी जानते हो कि
ये जो इम्पैक्ट है चुनाव का पूरा दिग्विजय सिंह के इर्द गिर्द है। रोडमल नागर जी का नाम नहीं है इस चुनाव में, भले वो चुनाव लड़े हैं, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़े, अपने नाम पर चुनाव नहीं लड़े, कमल के निशान पर चुनाव लड़े, अपने नाम पर चुनाव नहीं लड़े। 10 साल तक जो व्यक्ति सांसद रहे, 10 साल तक हमारे राजगढ़ जिले की उन्होंने सेवा की, अपने काम के दम पर चुनाव लड़ते तो फिर बात अलग होती, लेकिन काम के दम पर नहीं, दूसरों के नाम के दम पर रोडमल नागर जी ने चुनाव लड़ा। तो जाहिर सी बात है सारे नेता तो आने ही थे। अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी क्यों नहीं आए, योगी जी क्यों नहीं आए, जो आने थे उनको भी आ जाना चाहिए था। तो इतनी टाइट शायद मुश्किल जो है भाजपा के लिए नहीं होती। जैसे कि आपने, आपको बताया जाता है कि मारो राजगढ़ वाले हैं ना कि कांग्रेस के पक्ष में लगातार, मतलब कहीं पे जाते हैं तो भाजपा के लोग तो ये कहते ही हैं, तो आपको लगता है कि रोडमल जी नागर अगर विजय होंगे तो आपको खुशी होगी कि नहीं? बिल्कुल खुशी होगी। अगर रोडमल जी चुनाव जीतते हैं तो खुशी क्यों नहीं होगी? भगवान करे वो चुनाव जीते, भगवान करे वो मंत्री बने, हमारे जिले में 3-3 मंत्री मिलेंगे। देखिए जो लोग बोलते हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ, तो एक बार दिग्विजय सिंह अगर चुनाव जीत जाते हैं और वो सांसद बन जाते हैं तो यही भाजपा के लोग बोलेंगे ये तो भाजपा ही है। सत्ता से सवाल पूछना एक पत्रकार का धर्म होता है और वही धर्म मैं निभा रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है, खुशी क्यों नहीं होगी अगर हमारे जिले, दोनों हमारे जिले के हैं। और बात खुशी और दुख की नहीं है, मैंने तो बोला कि वो भगवान करे जीते और मंत्री भी बने, तो तीसरा मंत्री हमारे जिले को मिलेगा कहीं ना कहीं। और देखिए लोगों की गलतफहमियां बहुत है मेरे बारे में, वो सोचते हैं कि सांसद जी से इसकी पर्सनल, अब इतना बड़ा आदमी सांसद है वो जिले का, देश के 500 लोगों में से एक सांसद रोडमल नागर, उनसे हम क्या दुश्मनी लेंगे भाई? हमारा काम है सत्ता से सवाल पूछना। अगर वो मंत्री बनते हैं दिग्विजय सिंह को हराकर, तो मैं और ज़्यादा दमदारी से पत्रकारिता करूँगा, और ज़्यादा कठिन सवाल पूछूंगा, फिर और ज़्यादा जो भाजपा के लोगों को शायद बुरा लगता होगा, लेकिन उनकी भलाई के लिए, राजगढ़ की भलाई के लिए, राजगढ़ की लोगों की भलाई के लिए मेरा धर्म है कि मैं सवाल पूछूं। और सत्ता से ही सवाल पूछे जाते हैं, विपक्ष से नहीं पूछे जाते। दिग्विजय सिंह के हाथ में है क्या तो उनसे सवाल पूछेंगे? आप ही बताइए, कुछ है क्या? जाहिर सी बात है जो नेता कुर्सी पर, जो पावर में रहता है, उसी से सवाल पूछा जाता है। अब लोगों ने आज तक राजगढ़ में पत्रकारिता देखी नहीं थी कि होती कैसी है, तो बस वो आरोप मुंह उठा के आरोप लगा देते हैं, ये तो कांग्रेस का है, ये तो फलाना है। अरे कांग्रेस के नेताओं से भी कड़वे सवाल पूछे मैंने तो। आप अगर पूरा चैनल विजिट करेंगे, दिग्विजय सिंह से क्या कमजोर सवाल किए? वही सवाल जो जनता के मन में है। तो जनता की पत्रकारिता तो करता रहूंगा, चाहे मुझे कोई पंजा वाला बताए, हाथी वाला बताए, घोड़े वाला बताए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो एक और सवाल है, लास्ट सवाल, क्या लगता है आपको कौन किसका खेल बिगाड़ेगा राजगढ़ में? लाडली बहना का अगर पंजा कमल के फूल पर गया तो जाहिर सी बात है दिग्विजय सिंह का खेल बिगड़ेगा इसमें। लाडली बहना ने अगर ये समझ लिया कि जो है वो इस बार परिवर्तन होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है दिग्विजय सिंह बन सकते हैं। लेकिन अभी दिग्विजय सिंह में वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख रहे होंगे वोटिंग वाले दिन से ही वो ईवीएम का जो हर बार का रोना रोते हैं वो रो रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कांग्रेस के नेताओं का भी आत्मबल टूटा हुआ है कि यार हमारा मुखिया ही ईवीएम का रोना रोने लग गया अभी से। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपने आप पे भरोसा रखो, कम से कम प्रशासन पर भरोसा रखो, चुनाव आयोग पर भरोसा रखो। कोई इतनी बेईमानी नहीं करता कि दिग्विजय सिंह को हराने के लिए सारी मशीनें हैक हो जाए। और अगर मशीनों का इतना ही डर था तो भाई साहब पहले ही बायकॉट कर देते, चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या थी? पहले ही मना कर देते कि मशीन से चुनाव होगा तो दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेगा, तब मानते उनके बगावत को। चुनाव लड़ लिए, मशीन से मतदान हो गए, राजगढ़ के लोगों ने मत डाल दिए, प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान करवाया, मेहनत करी, इधर रोडमल नागर जी ने भी मेहनत करी, उधर दिग्विजय सिंह ने भी मेहनत करी, उसके बाद भी यदि दिग्विजय, हमने रोडमल नागर जी को देखा ही नहीं ईवीएम का रोनर होते हुए, देखा क्या आपने? देखा तो भाजपा लोगों को पूरा भरोसा है ईवीएम, भरोसा क्यों नहीं रहेगा जिस तरह से उनकी सरकार बन रही है लगातार? भरोसा जनता पर होना चाहिए, मशीन पर नहीं। अगर दिग्विजय सिंह में कॉन्फिडेंस होता तो ईवीएम का रोना नहीं रोते। तो मेरे ख्याल से अभी प्लस पॉइंट बीजेपी का है, अभी प्लस में भाजपा चल रही है, लेकिन 4 जून को हमें पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं। अगर दिग्विजय सिंह हारते हैं तो आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह की राजनीति पूरी खत्म होने वाली है? देखिए दिग्विजय सिंह का यह आखिरी चुनाव था, उन्होंने भी कहा, और राजनीति ख़त्म करके क्या, उनकी तो उम्र भी 77 की हो गई है, तो जाहिर सी बात है उनका रिटायरमेंट का समय अब आ गया है। उन्होंने बोला भी है कि नए लड़कों को अब मौका देंगे, तो इसमें राजनीति वाली बात ही नहीं है। उनकी ढलती उम्र और
जितनी मेहनत दिग्विजय सिंह ने इस चुनाव में की है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सीखना चाहिए उनसे कि 77 की उम्र में 30-35 किलोमीटर रोजाना पदयात्रा उन्होंने की, कांग्रेस को साधे रखा, इस उम्र में भी अपनी पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करते रहे, चाहे पार्टी गर्त में है अभी वर्तमान में, लेकिन दिग्विजय सिंह की ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने कभी भी, कमलनाथ ने बोल दिया, कमलनाथ ने जवाब नहीं दिया था कि मैं बीजेपी में वो जाने वाले थे, लेकिन दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता है जिनकी ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी, जिनके परिश्रम की दाद देना पड़ेगी, और कठिन समय में पार्टी ना छोड़ने का उन्होंने जो निर्णय लिया है, मतलब वो हमेशा अपनी पार्टी के लिए डेडिकेट थे, चाहे पार्टी गलत समय में, अभी गलत समय में है, और पार्टी का सही समय रहता तो जाहिर सी बात है वो अभी ऊपर होते, लेकिन राजनीति खत्म होने के आपने ये प्रश्न किया, तो राजनीति खत्म होना तय है इस चुनाव के बाद, और चाहे वो जीते या हारे उनकी राजनीति अब यहीं तक थी, उनकी राजनीतिक सफर राजगढ़ से शुरू हुआ था और राजगढ़ में ख़त्म होगा, चाहे वो जीते चुनाव या हारे। तो राजगढ़ का आप सटीक विश्लेषण जाने, किसका पल्ला भारी और कौन राजगढ़ पर राज करेगा। हमारे साथ थे कृष्णपाल राठौड़ जो मारो राजगढ़ के, जिन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार रिपोर्टिंग की है, और आप देखते रहे रियल राजगढ़ टीवी। कृष्णपाल भैया, रियल राजगढ़ टीवी के लिए दो शब्द आप राजगढ़ वासियों। बिल्कुल देवेन भाई, आप दिन रात मेहनत करते हैं और रियल राजगढ़ टीवी को मैंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मेरे जितने भी दर्शक हैं कम से कम उनसे बोलता हूँ कि हमारे राजगढ़ जिले में पत्रकारिता अभी जन्म ले रही है। हम पत्रकारों से, लोग रिश्वतखोर बोल देते हैं, हम पत्रकारों से बोल देते हैं तो पैसे लेते होंगे, ये तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप हम पर लगते हैं, हमारी मेहनत को कोई नहीं देखता। तो हमारे जैसे नए पत्रकार, हमारे जैसे, ये तो प्रिंट मीडिया में थे, डिजिटल में आपका स्वागत है, रियल राजगढ़ टीवी आप चला रहे हैं, तो रियल राजगढ़ टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। कम से कम मैंने अपने गृह क्षेत्र से संडावता से पत्रकारिता शुरू की थी, संडावता से लेकर आज जिले में नंबर वन चैनल मेरा बना है मारो राजगढ़, तो संडावता के लोगों की बदौलत बना है। तो खुजनेर की माटी से आप आते हैं, खुजनेर के लोगों से निवेदन है कि अपने भाई के चैनल के लिंक को कम से कम दिन में एक बार स्टेटस लगाएं, 15 दिन तक आप करेंगे तो इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। मेरा सीधा सा सिंपल सा मानना यह है कि जब हमारे वाले ही अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर राजगढ़ की जनता भी आपको प्यार करेगी। बाकी राजगढ़ वालों, जहां तक ये वीडियो जाए वहां तक पहुंचाएं, और रियल राजगढ़ टीवी को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद केपी भैया। हम जल्द मिलते हैं राजगढ़ के सटीक एग्जिट पोल लेकर, आप देखते रहें रियल राजगढ़ टीवी।